नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा महाराष्ट्र के दहिसर में है और दहिसर में ये जो इलाका है ये डायमंड इंडस्ट्री यहाँ पर कई सारी हैं और यहाँ पर मेरे साथ कुछ कामगार मौजूद हैं। चुनाव है तो इनके मन में क्या है यह बात हम इन सबसे ही जानते हैं। जी, लोकसभा चुनाव आ रहा है और 20 तारीख को मुंबई ने मतदान भी करना है, दहिसर की जनता के मन में क्या है? बस ये मोदी जी आवे और अच्छे से अच्छा विकास करे जी, समाज को आगे बढ़े और क्या है, समाज को आगे बढ़े। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां सब मतदाताओं तक पहुंच रही हैं, सभी अपने मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे हैं, तो आपको मोदी जी की गारंटी पे यकीन है? है, यकीन है ना जी, वही विकास कर रहे हैं आज तो जी। आगे आगे देखा जाएगा, अभी 20 तारीख की तैयारी करें सबसे पहले जी। आप बताइए जी, आपके मन में क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, इस बार किसकी सरकार? जो आए अच्छा करे, कोई भी रहने दो जी, मोदी जी आए तो भी चलेगा, कौन सा भी आने दो, सब बढ़िया चलेगा। आप किसको लाने वाले हैं? आने आने टाइम आएगा तो मालूम पड़ेगा। आने के लिए तो मोदी जी आए जी, वही हम लोगों की इच्छा है जो मोदी जी आए जी। और अगर हम बात करें यहाँ पर, आप लोग क्या चाहेंगे कि नई सरकार आप लोगों के लिए और क्या सुविधा करे? अभी जो उनको करना होगा वही करेंगे जी। हम लोग तो चाहते हैं जो मोदी जी आए और अच्छा सा काम करे जी। आप बताइए, मोदी जी के जैसा कोई यहाँ पे नेता नहीं है, क्योंकि विपक्ष पार्टी कितनी भी बड़ी होनी हो मोदी का कोई हराने वाला कोई है नहीं, क्योंकि मोदी के टक्कर में कोई उम्मीदवार नहीं है विरोधक में जी। तो आने वाले तो मोदी ही है जी। और राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन बना के, वो भी अपने, राहुल गांधी तो पप्पू है, सब लोग बच्चा बच्चा बोलता है राहुल गांधी को पप्पू जी। तो ये सब बड़े तो सब लोग समझदार है, वो तो बोलता है क्या आलू में से सोना निकलेगा, उसके बाप ने निकाला था क्या आलू में से सोना। और अब रायबरेली भी चलेगा लड़ने के लिए, वो कहाँ से भी लड़े जी। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, खाली मोदी जी है, मोदी जी इंडिया में है तो वही है, बाकी और मोदी जी, और बाकी उनके जैसा कोई नहीं है, आज तक हुआ नहीं, होएगा भी नहीं, वही है, वही सब हिला के रखेंगे सबको, यहाँ से लेके बाहर गाँव तक, बाहर गाँव तक। आइए बताइए भाई, क्या चल रहा मन में इस बार किसकी सरकार? बहुत अच्छा, मोदी जी आना चाहिए, 400 पार होना चाहिए, और क्या बोलूं, 400 पार होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मैं 180 पे रोक दूंगा मोदी जी। नहीं नहीं, उनसे कुछ नहीं होने वाला जी, वो खुद अपना सीट ना बचा पाए। अच्छा, खुद अपना सीट ना बचा पाए। अभी देखो अमेठी से भाग गए वो खुद जी, भाग गए। अब वो रायबरेली गए हैं और वो पहले कहते थे कि डरो मत, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो खुद डर के चले गए। नहीं नहीं, वहाँ से भी नहीं जीतेंगे, वहाँ से भी उनका पत्ता साफ है, इस बार पत्ता साफ है। अमेठी से तो डर के मारे चले गए, अभी कुछ दिन के, हाँ अभी कुछ दिन के बाद में वो उनके नानी के घर जाएंगे, इटली में जाएंगे वहाँ से हाँ, क्योंकि उनको इंडिया में कोई स्थान नहीं है उनको जी। उनको जय श्री राम से डर लगता है ना, तो हम लोग संता ना हिंदू है तो हिंदू को मानेंगे ना जी। जो हिंदू को चाहने वाले उनको लाएंगे हम लोग जी। और आपको लगता है कि जैसे राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, तो इस चुनाव में ये मुद्दा काम करेगा बीजेपी के लिए? सुनो, अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं हिंदू आज से लग, कभी उसने जय श्री राम का नाम लिया है क्या? नहीं लिया है जी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी धर्म की बूटी सुंघा रहे हैं युवाओं को, और नौकरी के और महंगाई के मुद्दे से भटका रहे हैं। ये तो महंगाई तो अपने विश्व में, पूरे विश्व में चल रही है जी, थोड़ी अपने इंडिया में ही चल रही है, पूरे विश्व में चल रही है जी। तो आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा काम करने वाला है मोदी जी के? मतलब मोदी जी को फायदा होगा? हाँ हाँ, एकदम फायदा होगा, राम मंदिर बनाने नहीं हुआ है, अभी कर रहे तो मोदी जी कर रहे हैं ना जी, दूसरा कोई कर रहा है जी? आज तक कभी सुना है यहाँ पे जो भी है जहाँ पे है सब मोदी जी का ही जी। और एक चीज और देखने को मिलेगी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद से पाकिस्तान भी चुप बैठा है, उसमें हिम्मत नहीं होती। अरे पाकिस्तान तो डर के मारे बैठा है जी, पाकिस्तान में अभी कोई, वहाँ के एक मंत्री ने, बड़ा एक नेता है, उसने कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी खाली सपना देखेगा जी, और पाकिस्तान वाले भी सपना देखेंगे कि वो चाहते हैं कि यहाँ से नरेंद्र मोदी हट जावे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, यहाँ की जनता आम मोदी जी को हटाने वाली नहीं, और उनको बड़े आगे लेके जाएगी, आगे लेके जाएगी। अच्छा, संजय खाने के वादे हो गए, खाने के वादे 400-200 मिल रहा है, तो क्या बोलेगा एक सरकार बदली? मोदी जी ही भेजेगी उधर सब कुछ, अनाज बिना जो भी रहेगा सब उधर ही जाएगा, हर जगह ही भेज ही रहे, जहाँ पे मुसीबत आती है वहाँ पे मोदी जी भेजते हैं। अच्छा रहेगा तो मोदी जी भेजेगी, गलत काम किया तो नहीं भेजेगी, सही बात है ना? मोदी जी नारा लगा रहे हैं आपकी बार 400 पार पूरा हो पाएगा? 400 हो जाएगा, हो जाएगा, जरूर होगा, 400+ होगा इस बार, 400+ होगा जी। चलो जय श्री राम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।